ये सुंदर रचनाएं, रंग और डिजाइन आस्था और इतिहास की मिलीजुली एक ऐसी पारंपरिक कला को दर्शाते हैं जिसमें कपड़ों पर देवियों के कई रूपों को बनाया जाता है। इस कला को मातानी पछेड़ी कहते हैं। सदियों से गुजरात और राजस्थान के कई समुदाय जब एक जगह से दूसरी जगह जाते रहे हैं तो इन भव्य चित्रों को चलते फिरते मंदिर की तरह पूजते हैं, क्योंकि ये चित्र देवी माँ को समर्पित हैं। मातानी पछेड़ी का शाब्दिक अर्थ होता है माँ देवी के पीछे। हिंदू देवी या नारी शक्ति को समर्पित इन रंगीन चित्रों का इस्तेमाल प्रार्थना, अनुष्ठानों और समारोहों में पृष्ठभूमि के रूप में किया जाता है। अपने जीवंत रंगों, विस्तृत विवरण और भक्तों और पौराणिक आकृतियों से घिरी अपने सुंदर वाहनों पर सवार देवियों की कलाकृतियों वाली मातानी पछेड़ी कला बेहद खास है। हम आपको अहमदाबाद के वासना क्षेत्र लिए चलते हैं, जहां हमने मातानी पछेड़ी के उन कारीगरों से बात की जिन्होंने इस विरासत को जिंदा रखा हुआ है, और आपको सदियों पुरानी इस कला के बारे में बताते हैं। મારું કામ 25 વર્ષથી હું કરતો આવું છું માતાની પછેડી, યાની કે હું મારા ફાધરના પાસે બેસીને એમના પાસે શીખ્યો છું કે કેવી રીતે માતાની પછેડી ડ્રોઈંગ કરવામાં આવે છે, કેવી રીતનું નથી કરવામાં આવતું, એ બધું એમના પાસે બેસીને હું શીખેલું છું. અને મારા પપ્પાને, મારા ગ્રેન્ડફાધર છે એ બી 300 વર્ષ પૂરું આર્ટ જૂનું છે અમારું માતાની પછેડી. યાની કે જે લોકો ગામના લોકો માતાની પછેડી પૂજવા માટે લઈ જાય છે એના માટે અમે બ્લોક પ્રિન્ટમાં બી બનાવીએ છીએ, હેન્ડ બાંબુ સ્ટિક્સથી બી બનાવીએ છીએ અમે. લગભગ 150 સાલ પહેલે કારીગરો કા યે સમુદાય અહમદાબાદ કે સાબરમતી નદી કે કિનારે આકર બસ ગયા થા. પછેડી કલાકૃતિ બનાને કે લિયે પાણી કી બહોત જરૂરત હોતી હૈ ઓર ઇસલિયે યે લોગ નદી કે પાસ આકર બસ ગયે થે. તભી સે યે લોગ ઇસ પરંપરા કો આગે બઢા રહે હૈ. टेक्सटाइल डिजाइनर काकोली बिस्वास 2 दशकों से भी ज्यादा वक्त से गुजरात की कलाओं पर काम कर रही हैं। वो मातानी पछेड़ी कारीगरों के साथ मिलकर भी काम करती हैं, और वो इस कला में नए प्रयोग करने, इसे बढ़ावा देने और इस शिल्प को दोबारा जिंदा करने में भी इनकी मदद कर रही हैं। काकोली ने हमें इन कारीगरों के बारे में कुछ इस तरह बताया। ये बागरी कम्युनिटी है जो मैंने बोला ये सिंध से भारत में आए थे. 300 साल पहले ये भारत में आके वीरम गांव जो सुरेंद्र नगर में आता है वहां पे ये आके बसे, और वहां से ये टूवर्ड्स अहमदाबाद आए आई थिंक 100-150 साल पहले. और जो जो अपना साबरमती रिवर के चारों तरफ इनका रहना वहां पे शुरू हुआ. अगर अब साबरमती रिवर के पानी में एक ऐसी क्वालिटी है जहाँ पे वेजिटेबल डाई का प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस बहुत अच्छा होता है, तो बिकॉज इसके कारण ही वो साबरमती रिवर, क्योंकि ये क्राफ्ट के मेन रिक्वायरमेंट थी फ्लोइंग वाटर, ना बहता पानी चाहिए को ये क्राफ्ट करने के बाद उसको पानी में धोना, और जो वो धो रहे वो स्टोरेज वाटर में आप नहीं कर सकते, तो इसके कारण ही ये साबरमती रिवर के चारों तरफ इनका रहना शुरू हुआ, और जहां से ये आर्ट फॉर्म बनना शुरू हुआ. अगर आप देखो वेजिटेबल डाई हमारे इंडिया में काफी जगह पे होता है, पर जितने भी क्राफ्ट है वो वहां की प्रॉपर्टी, वहां की पानी की जो क्वालिटी है उससे बहुत डिपेंड करता है. पछेड़ी कलाकृतियों में उन देवियों या माताओं को दर्शाया जाता है जो गुजरात में भादवद, रबारी, वाघरी, देवी पूजक और कई अन्य हिंदू समुदायों के लिए पवित्र मानी जाती हैं। मास्टर कारीगर चंद्रकांत चितारा ने हमें कलाकारों के अपने समुदाय के बारे में बताया। जो माता की जो पछड़ी बनाते हैं वो समाज का नाम है देवी पूजक, लेकिन इसमें एक ही फैमिली है देवी पूजक में, चितारा फैमिली. मुझे पता है वहाँ तक पिताजी के पिताजी पहले हमको सुनने में आए के पहले 40 फैमिली थी माता की पछड़ी बनाने में, लेकिन इसके पास इतनी सुविधा नहीं थी, इतना सब कुछ वो बनाने के लिए वो सुविधा नहीं था, इसके लिए कई लोगों ने काम छोड़ दिया. लेकिन मेरे पिताजी को इसमें
1965 में पहला स्टेट अवार्ड मिला था, 1970 में इनको पहला नेशनल अवार्ड मिला। तो गुजरात में ये कला को बहुत इज्जत मिली, फिर जो बाहर से लोग आते थे देखने के लिए, टूरिस्ट लोग, तो एक पाटन का पटोड़ा, एक माता की पछड़ी, ये दो चीज़ देखने के लिए ज़्यादा लोग आते थे यहाँ पर। अभी कम से कम 4-5 परिवार से बचे हैं और सारे लोग नहीं अभी तो काम करते हैं। इन पेंटिंगों को बनाने का तरीका बहुत मुश्किल होता है और ये कई चरणों से होकर गुजरती है। इसकी शुरुआत बाजार से खरीदे हुए कपड़े को अच्छी तरह से धोने से होती है। एक पेंटिंग बनाने में कुछ दिनों से लेकर महीनों तक लग जाते हैं, क्योंकि ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि पेंटिंग कितनी बड़ी और इसमें काम कितना बारीक है। ये मातानी पछड़ी हमें बनाए थे तो हमें बाजार में से कॉटन लाए, मादर पाट कापड़, पछी मादर का पाट कापड़ लाई ने हमें पानी में एक दिवस माटे भिगोए छे, एने बराबर कांजी निकली जाए एना माटे हमें एक दिवस माटे भिगोए, पछी बीजा दिवसे बीजा पानी से हमें धोई ने हरडा पाउडर आए, कायम चूरण वालों पाउडर आए तो एने डीप करी ने हमें धूप में सूकवी दिए एने, पछी ए सूकाई जाए पछी हमें आयर्न वॉटर होय छे, आयर्न वॉटर यानी कि लोखंड अने गुड़ एने मिक्स कलर करीए छे, यानी कि ब्लेक कलर थाय छे एनो, પછી અમે નિકાળી યુઝ કરવાનો હોય એટલો જ અમે યુઝ કરીએ છીએ બરાબર। પછી બીજો દિવસ અમે પછી ઇમલી પાવડર નાખીએ એના અંદર, પછી બોઇલિંગ કરી નાખીએ, પછી બાંબુ સ્ટિક આવે છે, બાંબુ સ્ટિક યાની કે અમે એકદમ પેન્સિલ જેમ બારીક કરી નાખીએ, પછી જે માતાની પછેડીનું હોય યાની કે એનું સેન્ટર અમે લઈ લઈએ છીએ, પછી જે આજુબાજુની જે માતાજીના ફિગર હોય છે એનું અમે આઉટલાઇન કરી નાખીએ પેન્સિલથી, પછી એના ઉપર બાંબુ સ્ટિક આયર્ન વોટરથી ડ્રોઈંગ કરીએ છીએ અમે પૂરું। પછી એ ડ્રોઈંગ કર્યા બાદ પછી અમે માતાની પછીનું જે કલર ફિલિંગ હોય છે રેડ કલર માટે અમે એલમ યુઝ કરીએ છીએ, એલમ ફિટકડી આવે છે એ ફિટકડીને અમે યુઝ કરીને અમે કલર જે બેકગ્રાઉન્ડ હોય છે માતાની પછેડીનું એ લાલ કરી નાખીએ છીએ, એ કાચું હોય ત્યારે ગ્રીન હોય છે, એ પછી અમે પ્રોસેસ કરીએ એના બાદ ચેન્જ થઈ ગયા છે, પણ એ પછી કલર ફિલિંગ થઈ ગયું છે બરાબર। તો એના પછી અમે નદીમાં જઈએ છીએ, કેમ કે નદીમાં અમારે નદીમાં સાબરમતી છે, પછી ડેમ છે, એવો બધા નદીઓ છે એવા અહીંયા અમદાવાદમાં, તો અમે એ કરીએ પછી અમારે કેમ કે અમે ઘરે ધોઈએ તો એ બધી ફટકડી એક કપડા ઉપર ચૂંટી જાય છે, એના માટે અમે ખાસ અમારે નદીમાં જવું પડે છે। કાળા કલર કા ઉપયોગ એકી તરહ હોતા હતા કે જો અપને હિન્દુ શાસ્ત્ર મેં એસા હોતા કે કોઈ બુરી આત્મા યા બુરી નજર વાલા હોતા તો વો નજર ના લગે ઇસકે લિયે કાળા કલર કા ઉપયોગ હોતા હતા, ઓર જો મરૂન કલર હે વો સકુન કા હોતા હે કે જબ ભી આપ અચ્છા કામ કરતે હો તો મરૂન કલર કા કામ તિલક કરોગે યા મરૂન કલર સે આપ આગે બઢોગે તો અપના એક પવિત્ર નિશાની હે મરૂન કલર સે। અભી તો બહોત સારે કલર સે હોને લગે લેકિન પહેલે કા જો દો કલર હે અભી જૈસે બહાર સે લોગ આને લગે ફિર કઈ લોગ કી એસે ખ્વાહિશ હોતી હે કે માતા કી પછડી મેં ઓર કલર ડાલ દે હોતે તો અચ્છા લગતા ઓર લાલે હોતે, લેકિન હમને જીતને કલર બનાએ જૈસે ઇન્ડિકો કલર હૈ બ્લૂ, ફિર બ્રાઉન કલર કથા કા બનાયા, ફિર પ્યાજ કે હોતે ઇનસે ભી મેં કલર બનાયા, તો એસે મજિસ્ટા હોતા હૈ, ફિર હિના હોતા હૈ, આંબા હલ્દી હોતી હૈ, એસે બહોત સારે હમને કલર બનાયે। રિવાયતી તરીકે સે પછેડી બનાને મેં સિર્ફ દો રંગો લાલ ઓર કાલે કા ઇસ્તેમાલ કિયા જાતા થા, ઇન દોનો રંગો કા આધ્યાત્મિક ઓર ધાર્મિક મહત્વ માના જાતા થા, લેકિન બદલતે સમય કે સાથ ઓર રંગો કા ઇસ્તેમાલ કિયા જાને લગા ઓર અબ કારીગર ઇન ચિત્રો કે લિયે નયે માધ્યમો ઓર વિષય વસ્તુઓ કા ભી ઇસ્તેમાલ કરને લગે હૈ। અગર દેખા જાય પહેલે યે આર્ટિઝન ખાલી માતા કે હી રૂપ કો ઇસમે બનાતે થે, સેન્ટ્રલ ફિગર જો ઉસકા બીચ મે માતા કા બડા ઇમેજ ઓર ઉસકે સાથ ઉનકે સબઓર્ડિનેટ્સ હોતે થે, બટ આજ યે कपड़ों में भी आने लगा है, अपैरल्स, होम फर्निशिंग के प्रोडक्ट, कुशन कवर, कर्टन्स में आ गए, यहाँ तक कि मातानी पछेड़ी में एक आर्टिजन है हमारे संजय चितारा भाई, उन्होंने इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस में बनाया है, इस आर्ट को ले गए हैं, इससे उन्होंने बुक्स में इलस्ट्रेशन किया है जिसका स्टाइल मातानी पछेड़ी का है। अगर देखा जाए तो हम बोले कि मातानी पछेड़ी जो पहले सिर्फ दो कलर में होता था, रेड और ब्लैक, अब उसका इन आर्टिजन्स ने खुद से अपना कलर बनाया एज पर द कंटेम्प्रेरी मार्केट डिमांड के हिसाब से, काफी सारे कलर्स उन्होंने वेजिटेबल से ही एक्सट्रैक्ट करके बनाया, क्योंकि आपको अगर पता होगा मातानी पछेड़ी कंप्लीटली नेचुरल डाई से बनता है,
नेचुरल डाई जो हम अपने वनस्पति या अपने खाद्य पदार्थ या किसी मिनरल से निकालते हैं। तो ये मातानी पचेड़ी पहले खाली ब्लैक एंड व्हाइट पैलेट कलर पैलेट से अब चेंज होके कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड एज पर द मार्केट और डिजाइन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से काफी वाइड रेंज ऑफ कलर पैलेट आए हैं। देन प्रोडक्ट के हिसाब से अगर देखें तो ये अपैरल इंडस्ट्री को भी कवर कर रहा है मातानी पचेड़ी, होम फर्निशिंग इंडस्ट्री, एक्सेसरी लाइक बैग्स और अदर टेबल टॉप प्रोडक्ट्स में मातानी पचेड़ी को बनाने लगे हैं। अगर मीडियम को करें टेक्सटाइल से हटके, अभी ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बच्चों के स्टोरी बुक्स में मातानी पचेड़ी के थ्रू वो इलस्ट्रेशन करके इलस्ट्रेटेड स्टोरी बुक्स बना रहे हैं। सो काफी कंटेम्पराइज हुआ है। पछेड़ी कला में चित्रकारी विस्तृत होती है और इसमें समुदाय के लिए पवित्र कई देवी देवताओं को दर्शाया जाता है। इनमें नवदुर्गा मेलाड़ी माता, वाहनवती माता, विषाथ माता और कई अन्य देवियों का चित्रांकन किया जाता है। कारीगर आमतौर पर गणेश और सूर्य को चित्रित करते हैं जो हिंदू धर्म में दो महत्वपूर्ण रूपांकन माने जाते हैं। वे लोगों को कुएं से पानी भरते, संगीत वाद्य यंत्र बजाते और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी के दृश्य को भी चित्रित करते हैं। विकास के साथ अब पछेड़ी में पौराणिक कथाओं और महाकाव्यों के दृश्य भी दिखाई पड़ते हैं। उदाहरण के लिए इस पछेड़ी में श्रवण कुमार की कथा और रामायण के दृश्य को भी देखा जा सकता है जिसमें राम सुनहरे हिरण का शिकार कर रहे हैं। वानवटी माता जी के मेरी कुल माता जी भी है, इनका मुंह हंसता होगा। और जो पहले माता की पछड़ी बनती थी, आज से 100 साल 150 साल 200 साल पुरानी पछड़ी, इनका साइड फेस था, वो सारे फेस सामने नहीं थे, अभी सब लोग सामने बनाने लगे। इनके आसपास सभी लोग ऐसे होते थे कि जो माता को पूजने वाले होते थे, माता को जानने वाले होते थे, वो टाइम में जैसे ज्योति बोलते हैं, भुआ बोलते हैं, ये सब लोग रहते थे आसपास। ऐसे नाव के ऊपर बकरा था, बकरे पे सवारी थी माता जी की, इनको ऐसे वानवटी माता बोलते हैं, फिर कोई लोग ऐसे बोलते हैं सिंध की वानवटी, जो दरिया में से आई इसके लिए। पछेड़ी कला का उपयोग और इन कलाकृतियों को बनाने के कारण भी पिछले कुछ वर्षों में बदल गए हैं। मूल रूप से इनका प्रयोग चलते फिरते मंदिरों के रूप में किया जाता था। इस बारे में चंद्रकांत की बेटी और उभरती हुई कलाकार नीरल हमें इस तरह बता रही है। मातानी पछेड़ी खुद ही एक मंदिर है, वो एक मंदिर का स्ट्रक्चर है खुद ही। तो जो पछेड़ी होती है वो चार भागों में बटी हुई होती है। ऊपर का जो भाग होता है वो सीलिंग के लिए, उसको बोलते हैं मेघा डम्बर और चदेणी भी बोलते हैं, तो वो ऊपर लगाई जाती है और उसके तीन तरफ पछेड़ी को लगाया जाता है दीवार के तौर में, और उसके अंदर एक दिए को प्रगटाया जाता है, उसको अखंड ज्योत बोलते हैं जो हमेशा जलती रहती है। तो वो अखंड ज्योत को जलाकर उसको लोग माता का स्वरूप मानते हैं उस ज्योत को, और फिर उसकी पूजा की जाती है। पूरा कम्युनिटी इकट्ठा होकर ड्रम और जो डाखला होता है वो सारे इंस्ट्रूमेंट के साथ, जो फोक सॉन्ग है जिसके अंदर मातानी पछेड़ी को डिस्क्राइब किया गया है सॉन्ग में, तो वो लोग गाते हैं बजाते हैं, अपने आने वाली पीढ़ी को भी वो अपना जो कल्चर है वो सिखाने के लिए, उसको बताने के लिए वो गाकर सबको इकट्ठा करते कि आने वाली पीढ़ी भी जान सके कि पछेड़ी क्या है, उसमें हमारी कुल देवी क्या है, उसके अंदर हमारा स्टोरी क्या है जो इतने सालों से चला आ रहा है। इसका प्रचलन इसलिए ज़्यादा हुआ, एक तो कि ये ले जाने लाने में ज़्यादा आसान थी, कि अगर पहले के ज़माने में उतना आने जाने के लिए और इतनी सुविधाएं नहीं थी कि अगर कुछ दुकाल पड़ गया या कुछ भी प्रॉब्लम हुई है तो वो लोग वो उस जगह को छोड़कर उन्हें कहीं और जाना पड़ता था। तब वो जो अपना मंदिर बनाया हुआ होगा, अपना मूर्ति होगा जो मिट्टी की या फिर धातु की बनी हुई, तो वो बहुत भारी होगी उनके लिए कि वो सफ़र में ले जा सके, क्योंकि उस टाइम पर उतने साधन नहीं थे कि वो ले जा ला जा सके। तो इसलिए मातानी पछेड़ी बहुत अच्छा विकल्प था उनके लिए कि वो उसको अपने आइडल को अपने पास भी रख सकते हैं, किसी प्रॉब्लम में आए तो उसको अपने साथ लेकर भी जा सकते हैं, ट्रैवल भी कर सकते हैं। कला का ये रूप 3 दशकों से चला आ रहा है, लेकिन इसे चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा है, जैसे लोगों में इसे लेकर जागरूकता का अभाव, बाजार और खरीदारों के साथ ही इसे प्रकृति से भी जूझना पड़ा, क्योंकि इस कला का
प्रकृति से भी गहरा नाता है। चैलेंजेस इन्होंने जो फेस किए वो लैक ऑफ एक्सपोजर, अगर हम बोले कि इनको इनके क्राफ्ट को पॉपुलरिटी नहीं मिली, अगर हम बोले कि लोगों को पता ही नहीं है किसी और दूसरे स्टेट के लोगों को कि मातानी पछेड़ी ये क्या है, लोगों को पता नहीं है। अगर जब लोगों को पता नहीं है तो लोग उसके बारे में उसको खरीदेंगे भी नहीं, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो प्रमोशन इज द मेन फैक्टर जो मैं बोलूंगी कि इसको स्टेट गवर्नमेंट, एनजीओस, ये सब अगर इसको प्रमोट करे इस क्राफ्ट को, क्योंकि उनका मेन चैलेंज ही वहां पे आता है कि इसको मार्केट में कैसे बेचें, ये मेन उनका प्रॉब्लम है जो वो चैलेंज फेस कर रहे हैं अभी। दूसरा, पानी की कमी, साबरमती रिवर में पानी की बहुत कमी हो गई है, मडी वाटर हो जाता था, हाफ ऑफ द सीजन वो पानी सूख जाता है गर्मियों के सीजन में, जो उनका बेस्ट टाइम होता है डेवलपमेंट का, क्योंकि टेम्परेचर इन सब चीजों में धूप बहुत जितनी अच्छी लगेगी काम पे उतना कलर ब्राइट निकल के आएगा जो गर्मी का सीजन, पर गर्मी के सीजन में साबरमती का पानी सूख जाता है तो वो उनके पास एक बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि इसको डेवलप करना, बना के रख लिया, डेवलप करने के लिए दे हैव टू वेट टू रेन, बारिश आए, पानी भरे और फिर उसके प्रॉपर उसकी धुलाई हो सके, कम पानी में इसकी धुलाई हो नहीं सके। दिस इज अनदर चैलेंज दे आर फेसिंग। सो अगर वही बोले कि प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है, जो आजकल काफी एनजीओस के साथ ये आर्टिजन्स मिलके कर रहे हैं, तो काफी हद तक एनजीओस हेल्प कर रहे हैं, बट इसकी बहुत ज्यादा पॉपुलरिटी इसको एक्सपोज करने की जरूरत है थ्रू ब्लॉग राइटर्स, थ्रू एनजीओस, थ्रू गवर्नमेंट सेक्टर्स, इन आर्टिजन्स के साथ मिलके इनको प्रमोट करें इस क्राफ्ट को। लेकिन मातानी पछेड़ी कला दोबारा चलन में आ गई है और भारत की इस कला को एक नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए काकोली जैसे कई लगनशील लोगों, गैर सरकारी संगठनों और संस्थानों के प्रयासों की वजह से ये कला अब धीरे धीरे आम लोगों तक पहुंच रही है। अब मातानी पछेड़ी आर्टिजन्स को हेल्प करने की अगर हम बात करें तो मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन से अभी जुड़ी हुई हूँ, द यूनिवर्सिटी विच इज कर्णावती यूनिवर्सिटी, वो उसके अंडर में डिजाइन सेक्टर है, जहाँ पे मैंने इस आर्टिजन्स को यहाँ पे पेरोल बेसिस पे, मतलब रेगुलर बेसिस पे रखा है, और वो आर्टिजन्स हमारे यंग डिजाइन स्टूडेंट्स के साथ बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं। डिजाइंस का अवेयरनेस, इस टेक्सटाइल का अवेयरनेस लोगों तक पहुँचा रहे हैं, यंग जनरेशन तक पहुँचा रहे हैं। तो ये जो जो हमारे यंग डिजाइनर्स हैं वो इनके साथ मिलके नए प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, तो ये दोनों तरफ से स्टूडेंट्स को भी फायदा हो रहा है और आर्टिजन्स को भी काफी नए नए आइडिया डिजाइन इनोवेशंस के तरफ से मिल रहे हैं। सो मेरा कंट्रीब्यूशन यही है कि लोगों तक कैसे ये क्राफ्ट को पहुंचाया जाए, और मेरे हिसाब से स्टूडेंट, यंग जनरेशन जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन है, जो फ्यूचर जनरेशन है, उनको, उनके तक अगर हम इस क्राफ्ट का अवेयरनेस पहुंचा दे तो डायरेक्ट ये फैशन वर्ल्ड को तक पहुंच जाएगा। गुजरात में एक ऑर्गेनाइजेशन है सेवा सेतु करके, जो इन आर्टिजन के साथ काफी क्लोजली काम कर रही है। दस्तकारी दिल्ली में है जो इस आर्टिजन के साथ बहुत क्लोजली काम कर रही है, इनको प्रमोट कर रही है, नए नए प्रोडक्ट्स इनसे बनवा रही है, लाइक सारीज फॉर द हायर एंड मार्केट के लिए। देन अगर बोलूं तो हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट कॉरपोरेशन इनको काफी क्लोजली हेल्प कर रही है, इनके इनसे जो भी इनके प्रोडक्ट्स बनते हैं वो स्टेट हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट कॉरपोरेशन इनको इनके प्रोडक्ट्स को खरीदती है, और अपने 23 शोरूम्स हैं ऑल ओवर इंडिया में जिनके थ्रू ये मातानी पछेड़ीज को बेचते हैं। सो काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं अपनी तरफ से इनको हेल्प कर रहे हैं। अगर ये बोलना मेरे लिए बहुत अच्छा होगी, ये आर्टिजन्स भी अपना इनिशिएटिव लेके काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूट नॉट ओनली इंडिया, अब्रॉड में भी
काफी ये वर्कशॉप्स करते हैं, यूके, यूएस, लंदन यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट में ये खुद से कनेक्शन निकाल के खुद के वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं। इनको इनविटेशंस मिलता है इन फॉरेन यूनिवर्सिटी से, जो जहाँ पे जाके ये अपने वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं टू प्रमोट दिस क्राफ्ट। आज माता ने पछेड़ी कलाकृतियों की भारतीय कला के पारखी और जानकार खरीदारों के बीच काफी मांग है। लंदन में विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय और अमेरिका में फिलाडेल्फिया कला संग्रहालय और अहमदाबाद के लाल भाई दलपत भाई संग्रहालय जैसे संग्रहालयों की वजह से भी ये कला लोकप्रिय हो रही है, जहां पछेड़ी के बेहतरीन नमूने देखे जा सकते हैं। पहले क्या था कि लड़कियां ऐसे ड्राइंग नहीं करती थी, पर उनका भी एक मातानी पछेड़ी में रोल था कि जो लड़कियां हैं वो कलर बनाने का और कलर फिलिंग करने में एकदम अच्छी थी, तो उनका काम वो हो गया था। और जो लड़के थे वो ड्राइंग में बहुत अच्छे थे तो वो ड्राइंग करते हैं, तो वैसा था। लेकिन मुझे ड्राइंग में भी इंटरेस्ट है और मैं भी चाहती हूँ कि मैं मातानी पछेड़ी का ड्राइंग और ये जो आर्ट है उसके साथ साथ दूसरे भी आर्ट को सीखूँ। अभी अगर हम बोले तो ये 9th जनरेशन है जो इस क्राफ्ट को प्रैक्टिस अभी तक प्रैक्टिस कर रही है, एंड इन शॉर्ट 50 आर्टिजन्स जो डायरेक्ट इस काम को कर रहे हैं। मोस्टली ये मेल आर्टिजन्स करते हैं, लेडीज जो घर की लेडीज होती है इनकी फैमिली में वो कलर फिलिंग का काम करते हैं। आउटलाइन और मेन मोटिव्स को जो बनाते हैं वो आर्टिजन्स, तो मास्टर क्राफ्ट्समैन जो मेंस हैं घर फैमिली के वो करते हैं, और लेडीज और बच्चे इस आर्टिजन्स में कलर फिलिंग और एनी अदर एडिशनल वर्क, प्रिपरेशन ऑफ ब्रश, जो ये बैम्बू के ब्रश से ये काम पूरा करते हैं, वो कलम बनाने का काम लेडीज करती हैं। कलर पानी में उबालने का, जो कलर डेवलपमेंट का काम होता है, वो घर की अदर फैमिली मेंबर्स करते हैं। सो अगर हम देखें तो आर्टिजन्स, मोर देन 100 आर्टिजन्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दिस क्राफ्ट, बट मास्टर क्राफ्ट्समैन देर आर 50 मास्टर क्राफ्ट्समैन एट प्रेजेंट। दरअसल मातानी पछेड़ी के कारीगरों की युवा पीढ़ी अब अपनी विरासत को संजोने और इसे लोकप्रिय बनाने का काम कर रही है, क्योंकि ये कला चिरस्थाई है, पर्यावरण के अनुकूल है और ये कला प्राकृतिक है, इसलिए मातानी पछेड़ी लोगों के बीच बड़ी तेजी से लोकप्रिय होती जा रही है। यंगर जनरेशन भी फैमिली के जो मेन आर्टिजन्स उनके साथ काम कर रहे हैं, इंटरेस्ट तो ले रहे हैं, पर इनको वही मार्केट अगर इनको मिले, अगर हम दिखाएं कि इसका क्या मार्केट प्रोस्पेक्ट है, इसकी क्या डिमांड है मार्केट में, और वो तभी हो सकता है जो हमारे यंग डिजाइनर्स और यंग आर्टिजन्स मिलके साथ में काम करें तो ये इंटरेस्ट। बट हाँ, अगर मैं ये बोलूं कि यंग जनरेशन इसमें काम इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नहीं, हाँ ले रहे हैं, और उन्हीं के मदद से, जैसे मैं ये संजय भाई चितारा की बात कर रही थी, मैंने इनके फादर के साथ बहुत सालों से काम किया था, मनु भाई चितारा, जिनके बेटे हैं संजय भाई चितारा, और उन्होंने इंटरेस्ट लेके ही इतने सारे एक वाइडर रेंज ऑफ कलर पैलेट बनाया। इन्होंने अपना आर्ट जो वो टेक्सटाइल के ऊपर करते थे, एक फैब्रिक के ऊपर करते थे, वहां से उन्होंने बुक्स पेपर के ऊपर या प्लास्टर ऑफ पेरिस एक स्कल्पचर के ऊपर वो करने, तो ये अगर उनको वाइडर प्रोस्पेक्ट मिले कि मेरी कला का क्या, कहाँ कहाँ हम पहुंचा सकते हैं, वो तभी हो सकता है जब डिजाइनर और आर्टिजन दोनों एक साथ करें और उसका अवेयरनेस हो। सो यस, बहुत जरूरी है, बट यंग जनरेशन इसमें इंटरेस्ट ले रही है। मैं ये नहीं बिल्कुल डिनाई करूंगी कि यंग जनरेशन दूसरे क्राफ्ट और दूसरे प्रोफेशन में चली जाएगी, नहीं वो नहीं जाएंगे, बिकॉज इनकी कम्युनिटी इतनी छोटी सी कम्युनिटी और बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है। अगर फ्यूचर देखें, ये जो COVID-19 जो आया था हमारे हम सबके जिंदगी में, ये काफी हमें रियलाइज करवाया, हमें अपने क्राफ्ट एंड कल्चर से बहुत क्लोज ले गया, हमें सोचने
को मजबूर किया कि हमारे लिए हमारे एनवायरनमेंट और हमारे सराउंडिंग्स में हमारी क्या जरूरत है, हमारा क्या कल्चर है. सो इट इज वेरी गेटिंग वेरी पॉपुलर इन यंग क्राउड, यंग जनरेशन, बिकॉज इट द कलर्स इज कमिंग एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम द वेजिटेबल्स. After the realization of the environment value, they started thinking of this manner, like ki ye vegetable dye hai to sustainable, aur ye sab jo abhi aajkal bahut zyada market mein demand hai, upcycle, recycle, sustainability. So is prospect se agar dekha jaye to Matani Pachedi itself is a very sustainable art form of India. अपने समृद्ध प्रतीकवाद और परंपरा की वजह से मातानी पछेड़ी दरअसल एक खास कला तो है ही, ये कला का एक अमूल्य हिस्सा भी है. ये वो कला है जिसकी जड़ें प्रकृति और उस जमीन से जुड़ी हुई हैं, जहां से ये आई है. जिस तरह से कारीगर और संगठन पूरे मनोयोग से काम कर रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि इस अनूठी कला का भविष्य उज्ज्वल है.